क्लास 9। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट लेकर रेडी हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका है, तो आज जो वीडियो तैयार हो रही है उसमें इसका सेकंड पार्ट जो है उसे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको प्रीवियस वीडियो की थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ मैं, जिससे आपको रिलेट करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा, जिसमें मैंने आपको छः फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बताए थे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके नाम भी आपके सामने मैंने रखे थे, हिमालयंस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो हैं आपको बता दी थी कि इसी से रिलेटेड जो है ये चैप्टर आपका है। ठीक है, फिर जब हम इंट्रोडक्शन में देख रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती हैं। हार्ड रॉक में मैंने आपको बताया था कि हार्ड रॉक के एग्जांपल में ताजमहल है। ठीक है, और जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है वो होती है टेलकम पाउडर। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपको मैंने बताया था क्लास में, जो वीडियो आपके सामने रखा था उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था मैंने, जो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन है, जो भी फिजिकल फीचर्स हम अपनी अर्थ पर देखते हैं उसके पीछे एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, आपको मैंने ये थ्योरी के बारे में भी बताया था। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ड्रॉ करके भी चीज़ें आपको मैंने दिखाई थी। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि ये सारा कुछ प्लेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये प्लेट्स तीन तरीके की मूवमेंट करती हैं, तो तीन तरीके की एक्टिविटी होती है बेसिकली इस कॉन्टिनेंटल प्लेट से, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है ना, तो ये जैसे जैसे एक्टिविटी है, फोल्डिंग में मैंने आपको हिमालयंस का नाम बताया कि अगर आप पेपर फोल्ड करेंगे तो ऐसी शेप हो जाएगी, फॉल्टिंग में अगर आप पेपर को दोनों साइड से, अगर इधर फोर्स लगता है तो फोल्ड हो जाएगा, अगर अपोजिट फोर्स लगता है तो वो बीच में क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था सब कुछ, ये एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद से आपको मैंने ये प्लेट्स भी दिखाई थी। ठीक है, कि कैसे कैसे कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़े थे और हमने गोंडवाना लैंड जो है उसे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कि गोंडवाना लैंड जो है पहले जो हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, वो एक ऐसे सर्कुलर राउंड शेप का लैंडमास होता था। ठीक है, और यही प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या हुआ, ये जो लैंडमास है ना, ह्यूज लैंडमास, ये अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पहले मैं इसके दो हाफ बताती हूँ, एक अपर हाफ पोर्शन और नीचे वाला। जो अपर हाफ पोर्शन है उसमें हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना जो कंट्रीज़ हैं उसकी प्लेट बाउंड्रीज इसकी वजह से तैयार हुई थी। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, और गोंडवाना लैंड जो है उससे इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो हमारे इंडिया से रिलेट करता है। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये एक सिंगल लैंड मास से ये कंट्रीज जो हैं वो बनी है, ये आइलैंड जो है, ये कॉन्टिनेंट जो है वो बने हैं। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका है उसमें से हमारा इंडिया मूव करके निकला है। ठीक है, सो अब इसमें आगे अब हम और जो पढ़ेंगे तो देख लेते हैं, हमें यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, हुआ क्या है, कैसे ये गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है ये पढ़ लेते हैं। द कन्वेक्शनल करंट ठीक है, द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इंटू ए नंबर ऑफ पीसेस। यही मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेक्शनल करंट होती है, जो प्लेट की मूवमेंट होती है, उसी से ही जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना वो स्प्लिट हो रही है, हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है वो बिखर रही है और नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हुई है। ठीक है, इसीलिए वो जो बड़ा सा लैंड मास था ना उसके अलग अलग कई सारे टुकड़े हो गए। ठीक है ना, और उसी की वजह से लीडिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसकी वजह से किस चीज़ की ड्रिफ्टिंग हो रही थी, हम अपनी सिर्फ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ही बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये प्लेट की मूवमेंट हमें बताएगी कि इंडिया जो है
वो किस तरीके से शिफ्ट होते हुए पड़ा है, ठीक है ना, आगे बढ़ता गया आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो इंडिया है वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड से अलग होता गया टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, किस तरफ बढ़ रहा है ये बच्चों, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये नॉर्थ में इसका मूवमेंट जा रहा है। ठीक है, तो द नॉर्थ वॉर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। यही मैंने आपको उस दिन भी ऑनलाइन क्लास वीडियो में बताया था कि नॉर्थ वार्ड जब ये ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ को जा रही है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है ना, जो सबसे बड़ी प्लेट है जिसमें यूरोप भी है और रशिया भी है, तो ये प्लेट बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट ह्यूज लार्ज प्लेट है, तो इसकी मूवमेंट भी उतनी ही ज़्यादा वास्ट होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ठीक है, वो इस तरफ मूव कर रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो इस तरफ को, मतलब ऐसे मूव कर रही है या इस तरफ की मूवमेंट बता दो, तो इनके बीच में कौन सा वाला मूवमेंट होगा, इनके बीच में जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा हमारा बच्चों कन्वर्जेंट। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है इनके बीच में, तो ये कोलाइड करेगी। ठीक है, और जैसे कि आपको बहुत वियर्ड सा एग्जांपल मुझे इसके लिए देना पड़ेगा, जैसे कि मान लो सामने से भी एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, एक कार आ रही है, ठीक है, एक्सीडेंट वाला ही एक एग्जांपल मैं आपके लिए रखना चाहूँगी, तो ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो इनके बीच में कोलाइड होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही आपको समझाना चाहती हूँ कि ड्यू टू द कॉलिजन, ठीक है, जब इस तरीके से इनके बीच में टकराव होता है तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नॉन एज द तेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज। ठीक है, ये जो तेथिस है ना बच्चों, ये तेथिस जो है वो वाटर है। ठीक है, वाटर आपको मैं बताऊं तो एक तो आप जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे आप इंडियन ओशन देखते हो, ठीक है, यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, इधर हमारा पैसिफिक ओशन है, इधर हमारा अटलांटिक ओशन है, और यहाँ आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी देखते हो। ठीक है, तो ये सारा जो वाटर है ना, तो ये सारा पहले पानी एक साथ होता था, लेकिन जब ये कॉन्टिनेंट सारे अलग हो गए तो ये पानी भी डिवाइड हो गया, तो ये जो पूरा वाटर था ना बच्चों, ये तेथिस सी वाटर, इसको हम बोलते हैं तेथिस, तेथिस सी जो है ये पूरा समुद्र होता था जिसमें इतना सारा पानी था, लेकिन अलग अलग लैंड मास बढ़ जाने की वजह से ये पानी भी डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसी के अंदर जब ये प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट हुआ है वो फोल्डिंग रिज़ल्ट हुआ है। ठीक है, ये फोल्ड हुआ है, जैसे आपको यही वाली मूवमेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो ये फोल्ड होने की वजह से ही जो है हमारे माउंटेन्स डेवलप हो गए, जिनको हम ये सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से, यानी कि जहाँ पानी होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, जहाँ वाटर होता है वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा बाहर आता है लावा की फॉर्म में, ठीक है, और वो उसको क्या बना देता है, वो उसको माउंटेन, जब वो ठंडा होता है तो वो उसे माउंटेन बना देता है, तो उससे कौन सी रॉक्स बाहर आई थी, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बाहर निकली, और जो हमारे हिमालयंस हैं, ठीक है, हिमालयाज, और जो हमारे वेस्ट एशिया के माउंटेन हैं वो सब कौन सी रॉक से बने हैं, वो सब सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं। ठीक है ना, तो ये पार्ट इसमें यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हिमालयन, और आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो हिमालयन अपलिफ्ट हुए आउट ऑफ द तेथिस सी, देखिए मैंने यही बोला कि हिमालय जो है वो तेथिस सी में वॉल्केनिक इरप्शन होने, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो क्या होगा, फोल्डिंग होगी, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ मूवमेंट सेम तरफ आ रही है। ठीक है, तो वो फोल्डिंग होगी जिससे जो तेथिस सी का पानी है उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से हमारे जो हिमालयाज हैं वो अपलिफ्ट होकर बाहर आ गए। ठीक है, हमारे हिमालयाज जो है माउंटेन, उनका फॉर्मेशन हो जाता है, एंड सब सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, और उसके बाद हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू तो है ही, वो सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट
रिवर्स। मैं आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि इंडिया का कौन कौन सा हिस्सा कैसे बना है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से अलग होने पर तो हमारा इंडिया का नीचे का पेनिनसुलार बना, वी शेप वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो दोनों के बीच में जब कॉलिजन हुआ तो बने हमारे हिमालयंस माउंटेन, ठीक है। बीच वाला हिस्सा तो अभी भी खाली है क्योंकि नीचे तो हमारा ये प्लेट्यू है और ऊपर हमारा हिमालयाज है। तो अब क्या होगा, हिमालयाज के ग्लेशियर पिघलेंगे तो रिवर बाहर आएगी, ठीक है। तो रिवर जब आती है तो आप सब जानते हो कि रिवर अपने साथ डिपोजिशन लेकर आती है, बहुत सारा मिट्टी सिल्ट बहुत कुछ लेकर आती है, ठीक है। तो वही जो मिट्टी और सिल्ट है रिवर की वजह से वो इस खाली जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो गई और उससे ये वाला हिस्सा जो खाली रह गया था इंडिया का वो भी भरना स्टार्ट हो गया, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, ठीक है ना। आप सब कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही रहते हैं, जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब किसके पार्ट है, ये सब जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट है, ठीक है। तो यही लिखा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये डिप्रेशन ग्रेजुअली किसकी वजह से फिल्ड हो गया, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्स मतलब जो मिट्टी होती है या और भी चीज़ें, कंकड़ पत्थर है, कौन लेकर आ रहा है उसे, रिवर लेकर आ रही हैं, ठीक है, माउंटेन से इन द नॉर्थ या पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी लेकर आ रही हैं साउथ में। यानी कि हमारे इंडिया में रिवर दो तरीके से आती है, एक तो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट से आती हैं हिमालय से, और नीचे पेनिनसुलर में भी कई सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। तो इनका सारा डिपोजिशन यहाँ पर हो जाता है और डिपोजिशन होने से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, इंडिया में उनका फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लैट लैंड एक समतल भूमि है जिसमें किस चीज़ का डिपोजिशन पाया जाता है बच्चों, एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन पाया जाता है, और एलुवियल सॉइल सिर्फ रिवर्स लेकर आती है, ठीक है। आगे द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, और अब क्योंकि तो हम अपने इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो इंडिया का जो लैंड है ना बच्चों वो क्या डिस्प्ले करता है, इंडिया का फिजिकल फीचर जो वेरिएशन में बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का सबसे एंशियंट लैंडमास कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पुराना जो लैंडफॉर्म है बच्चों वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि गोंडवाना लैंड से सबसे पहले हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ही अलग हुआ था, ठीक है। और हमारे सबसे न्यूएस्ट माउंटेन कौन से हैं, हमारे सबसे न्यूएस्ट माउंटेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि जो हमारा लैंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसमें ग्रेट फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पुराना लैंडमास हमारा कौन सा है, सबसे पुराना लैंडमास हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। और सबसे न्यूएस्ट जो है, जिसमें हम सबसे रीसेंट की बात करते हैं, मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म में क्या आते हैं, हमारे हिमालयाज आते हैं, ठीक है ना। और हमारे हिमालयाज आते हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, जो हमारा हिमालय माउंटेन है ना वो कभी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एक तो जो यहाँ पे लगातार आप अर्थक्वेक्स के जो भी चीज़ें देखते हैं एक्टिविटीज़, उसकी वजह से भी, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अनस्टेबल जोन है, बार बार यहाँ पर प्लेट्स टकराती रहती हैं, ठीक है। होल हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है, अगर आप देखेंगे तो हमारे होल हिमालयन माउंटेन्स में कई सारी टोपोग्राफी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हाई पीक्स, ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ भी हैं, बहुत डीप वैलीज, गहरी खाई हैं, और फ्लोइंग रिवर्स, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज़ी से बहने वाली नदियाँ भी है, जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो हमारे हिमालयंस हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो एलुवियल सॉइल से बने हैं, और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी रॉक सॉइल से बना है। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना बच्चों, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स जो होती है बच्चों वो प्राइमरी रॉक होती है, जो सबसे पहली रॉक फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक्स का होता है, और इग्नियस रॉक जो है वो वॉल्केनिक
एक्टिविटी वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आती है। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी रॉक है और हमारा सारा पेनिनसुला प्लेट्यू भी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही तैयार हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जेंटली छोटी छोटी जो हिल्स हैं, माउंटेन्स तो वो कहते हैं ना जिसकी पीक होती है, और हिल्स वो होते हैं जो थोड़े से इरोड हो चुके होते हैं। तो पेनिनसुलार में माउंटेन्स नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स हैं और वाइड वैलीज है, चौड़ी घाटियाँ देखने को मिलती है। डीप वैली नहीं होगी क्योंकि डीप वैली के लिए हाई पीक्स वाले माउंटेन होने चाहिए, यहाँ पर छोटे हिल्स हैं इसलिए यहाँ की जो वैलीज़ हैं वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो वाइड हैं। ठीक है, अब हमारा कंटेंट शुरू होता है कौन सा, मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम अपने कंटेंट पे आ जाते हैं और हम बात करते हैं किसकी, द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हम सॉरी पहले हम अपने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाते हैं हम अपने इस कंटेंट को देखने के लिए, उससे पहले आप ज़रा ये मैप देख लें। ठीक है, इस मैप में हमें पूरे तरीके से हमारे हिमालयन माउंटेन्स जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए क्या क्या इसके अंदर दिखाया गया है कि आप अगर देखें तो सबसे ऊपर जो है वो हमारी काराकोरम रेंजेस हैं। ठीक है, और काराकोरम रेंजेस के नीचे हमारी झस्कर रेंज है। ठीक है, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे शिवालिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हमारा हिमालयन रेंजेस में आता है और ये सबसे ज़्यादा वाइड जो है, सबसे ज़्यादा चौड़े यहाँ हमारे वेस्टर्न जोन में हैं, और सबसे ज़्यादा नैरो कहाँ हो गए हैं, सबसे ज़्यादा नैरो ये ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारा ये कश्मीर से लेकर पूरा हिस्सा आ जाता है, इधर हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि यहाँ हमारा नेपाल भी आ जाता है। ठीक है, और ये तो हमारा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो अभी आपको मैं हमारे हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में अब आपको आज स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, सो जो हमारे हिमालयाज है ना बच्चों, जियोलॉजिकली देखें तो ये यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, यानी कि जब इंडिया का फॉर्मेशन हुआ तो अगर कोई माउंटेन्स बने थे तो वो हिमालयंस बने थे, इसलिए ये हमारे लिए यंग माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और फोल्ड माउंटेन इसलिए क्योंकि आपको मैंने प्लेट एक्टिविटी ऑलरेडी बता दी थी, ये प्लेट आपस में टकराती हैं इस वजह से फोल्ड माउंटेन्स हमारे तैयार हुए। ठीक है ना, और ये हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे आते हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर आप समझते ही होंगे, ये ईस्ट, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैप में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको पहले ही मैप दिखा दिया था कि जो माउंटेन की रेंजेस है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो हमारी इंडस नदी है वो हमारे वेस्ट में है, यानी कश्मीर साइड पे है इंडस नदी जो बहती है, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट, ये इंडस रिवर है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा जो हिमालयन माउंटेन है उसका स्ट्रेच देखा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो हिमालयाज है वो लॉफ्टीएस्ट कैटेगरी में आते हैं। लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखी जाती है, और रगेड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये माउंटेन जो है बैरियर क्रिएट करते हैं, रगेड टोपोग्राफी है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन जो है इसकी है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, और ये जो पूरा डिस्टेंस मैंने ऐसे आपको दिखाया था, ये एक आर्क की शेप लेता है जो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें हम अपना नेपाल भूटान जो है उसे नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे इंडिया के पार्ट में नहीं आता है, हमें सिर्फ अपना ही पार्ट इसके अंदर स्टडी करना है। ठीक है ना, तो 2400 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है, ये आप चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे, और इसकी विड्थ जो है चौड़ाई वो भी वैरी करती है। 400 किलोमीटर चौड़ाई इसकी कश्मीर में है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में जाके ये नैरो हो जाते हैं जो सिर्फ 150 किलोमीटर में है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ का एल्टीट्यूड है वो भी बहुत डिफ़र करता है। ईस्टर्न हाफ इज ग्रेट आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है,
एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और आगे क्या लिख रखा है, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, जो हमारी हिमालय की श्रृंखला है ना वो 3 पैरेलल श्रृंखलाओं में विभाजित है। ऐसी पैरेलल रेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, उसमें इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, तो हमारे वेस्ट से ईस्ट तक हम इस लाइन में, लॉन्गिट्यूडनल लाइन में इसको स्ट्रेच करते हुए बताते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय, यानी कि अगर आप यहाँ से मैप देखें, सॉरी गाइस, अगर आप यहाँ से मैप देखें तो जो हमारा ये सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सबसे नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इनर हिमालयाज़, ये अंदर वाले हिमालयाज़ है, क्योंकि अगर आप नीचे चले आएंगे तो वो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा। ये सबसे नॉर्थ में है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है इनर हिमालयाज़, ठीक है, या ग्रेट हिमालयाज़, या आप इसे हिमाद्री भी कह सकते हैं। ये 3 नाम ज़रूर याद रखिएगा, द ग्रेट और इनर हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री, ठीक है। और ये ऐसी रेंज है जो कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस रेंज है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोफीएस्ट पीक पाई जाती है, सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और एवरेज हाइट जो है वो यहाँ के पीक्स की वो कितनी है, 6000 मीटर, 6000 मीटर की ऊंचाई है। और जितनी भी जानी मानी हिमालयन पीक्स है ना, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ, वो कहाँ देखी जाती है, हमारी हिमाद्री में ही देखी जाती है। जैसे कुछ एक आधे नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे, काराकोरम रेंजेस हमारा यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर K2 भी दिख जाएगा, ठीक है, ये तो नाम बहुत फेमस है। तो ये जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना बच्चों, वो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं, कहाँ पर, हिमाद्री में, ठीक है। तो ये हमारा हिमाद्री जो है वो कवर हो जाता है। ये मैप आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखते रहेंगे कि कितनी सारी रिवर्स निकल रही हैं। इंडस रिवर आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये रही हमारी इंडस रिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो सांगपो है ना, यही इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स आपको दिख रही हैं, बाकी रिवर्स के नाम भी आप इस मैप में देखिए, ठीक है, जिससे आपको ज्योग्राफी के लिए मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ माउंटेन्स की इंपॉर्टेंट पीक्स के नाम मेंशन किए हैं, देखते हैं वो पीक्स कौन कौन सी हैं। माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजुंगा हो गया, वाकुलू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरवा है, ठीक है, गुरला मंधाता है। तो ये सारी क्या है, इम्पॉर्टेंट हमारी हिमालयन की माउंटेन चेन है। और इसके बाद साइड में इसकी कंट्रीज़ के नाम भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, माकालू भी नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, ठीक है, गुरला मंधाता नेपाल में है, ठीक है। तो द फोल्ड और ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो सिमेट्रिकल होता है ना, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो सेम चीज़ दिखाई देती है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है हमारे फोल्ड माउंटेन। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो हिमालयाज का अंदर वाला हिस्सा है ना, वो ग्रेनाइट से बना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, ठीक है, तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो ग्रेनाइट से बना है। इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड, ठीक है, और जो इसकी पीक्स हैं वो किससे ढकी हुई हैं, वो स्नो, बर्फ़ से ढकी हुई है, और अंदर इसके ग्रेनाइट अवेलेबल है, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो हैं इस रेंज में, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, तो ऐसे कई सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको हिमालय की मुझे और भी ज़्यादा ब्रीफिंग देनी पड़ेगी, तो इस लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं होगा, आपको इसके लिए और वेट करना पड़ेगा। मैं अगले लेक्चर में इसे ज़रूर कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी इसके अंदर फिज़िकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही स्टडी करें, इतने ही यही वीडियो लेक्चर आपको पढ़ना है, उसे ही ध्यान से समझना है, ओके। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।